Hi, I'm Rohit Khandelwal, and you can watch me on Bol India. बोल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। अब सच देखेगा इंडिया। एमजे जीशान एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बोल इंडिया न्यूज। एंड जैसे कि हम लोग बोल इंडिया न्यूज में हर दिन एक नए नए इवेंट को कवर करते हैं, और आज हम लोग आए हुए हैं फिनोमिनल फेस ऑफ इंडिया के ऐसे शो पर जहाँ पर बहुत मजा आया है। जो मेन इवेंट है वो 28th ऑफ अगस्त को कहाँ होने वाला है सर? रेजेंटा होटल। रेजेंटा होटल, देखिए रेजेंटा बहुत बड़ी होटल है और उसके ही बढ़िया से ऑर्गेनाइजर रितेश सर हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश सर, इतने सारे खूबसूरत गेस्ट आपने आज बुलाए, आज आपका थर्ड डे था ग्रूमिंग का और आपने टैलेंट राउंड भी लिया। इवेंट के बारे में दो वर्ड अगर आप बताना चाहेंगे तो क्या बताएंगे? डेफिनेटली इवेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है और काफ़ी अच्छी ग्रूमिंग हो रही है। हमारे शो का नाम है फिनोमिनल फेस ऑफ इंडिया, मतलब भारत का अद्भुत चेहरा। ये फिनोमिनल, देखिए मैं बहुत सारे इवेंट होस्ट करता हूँ, हम लोग कवर करते हैं, फिनोमिनल इवेंट पहली बार नाम सुनने में आया। फिनोमिनल का मतलब ये कहाँ से दिमाग में आया आपके फिनोमिनल रखना है? सी लाइक हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि शो का नाम क्या रखे क्या करे, सो लाइक एक दिन ऐसे ही मतलब ऐसे बैठे बैठे एक नाम आया मेरे दिमाग में कि फिनोमिनल। सो लाइक फिनोमिनल मीन्स लाइक भारत का अद्भुत चेहरा, अद्भुत। सो लाइक यू नो मुझे ऐसा लगा कि ये नाम बहुत सूट है लाइक, और ये नाम आज तक कभी किसी ने नहीं लिया है। सो आई थॉट लाइक दिस इज द यूनिक नेम और दिस इज द यूनिक कंसेप्ट, और स्पेशली हमने इसमें 5 कैटेगरीज रखी है, मिस्टर मिस किड्स एंड स्पेशली ट्रांसजेंडर्स। और ट्रांसजेंडर्स को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कर रहे हैं, और आने वाले जो विनर्स रहेंगे उनको भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या बात है, आपकी बातें सुनकर ही मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि 28th ऑफ अगस्त को कितना बड़ा धमाल होने वाला है नागपुर में। हमारे साथ बहुत सारे खूबसूरत गेस्ट मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम मैम? पायल शाहू। जी मैम। पायल शाहू। पायल मैम, आपकी आवाज़ इतनी कोमल है कि पहुँच ही नहीं रही है यहाँ तक। पायल मैम, फिनोमिनल फेस ऑफ इंडिया से जुड़कर कैसा लगा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहली बार रश्मि मैम से जुड़ी हूँ, एंड दिस वॉज द अमेजिंग एक्सपीरियंस। यहाँ के जो कंटेस्टेंट्स थे सभी में एनर्जी जो थी वो आज तक मैंने किसी कंटेस्टेंट्स में किसी भी शो में नहीं देखी है, और ऐसे शोज हमारे नागपुर में आ रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जो मॉडल्स हैं उनके लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने जनरेट किया है। और जैसे कि शो का नाम है फिनोमिनल, यहाँ के कंटेस्टेंट्स भी सारे वैसे ही है। क्या बात है। हमारे साथ रश्मि मैम मौजूद है जो कि शो की ऑर्गेनाइज़र है। रश्मि मैम, आज अपने वर्तिका मैम को बुलाया, मयूरी पाटनी मैम आपके साथ है। दो वर्ड में अगर आप ख़त्म करना चाहेंगे तो वो क्या होंगी? हम आपको बता दें कि इस इवेंट के साथ मैं भी पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ, इवेंट का एंकर और मीडिया पार्टनर। बहुत ही अच्छा लगा इन सभी लोगों से जुड़कर। रश्मि मैम, सिर्फ दो वर्ड काम चल जाएगा, दो अल्फाज आपके खूबसूरत दिल से निकलने चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, वर्तिका मैम पायल मैम आए हैं यहाँ पे हमारे शो में, और मैं चाहती हूँ मैं इन्हें खुशी मैं जाहिर नहीं कर पा रही हूँ अपनी नहीं, हम समझ सकते हैं, अल्फाज दिल से निकलते नहीं है लेकिन जज्बात बयां कर देते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच रश्मि मैम। वर्तिका मैम, आपके साथ हर में मेरी मुलाकात होती है, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। बताइए मैम कि आज फिनोमिनल फेस ऑफ इंडिया के बारे में दो वर्ड आपके क्या है? जैसा ही इस शो का नाम है फिनोमिनल फेस ऑफ इंडिया, आज मैंने टैलेंट राउंड इनका विटनेस किया है, जो कि अपने आप में ही एक अद्भुत एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आई एम टोटली स्पीचलेस। ट्रांसजेंडर्स, किड्स, टीन्स, मिस, मिसेस, मिस्टर, माय गॉड, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस। मैं बता सकती हूँ कि इस शो का जो लेवल है ये बहुत ही ऊंचे स्केल के, जो हम शोज़ देखते हैं, हम जिनकी बातें करते हैं सुनते हैं, जो मुंबई पुणे या बाहर, हम देश के बाहर के शो के लेवल्स की बात करते हैं, बिल्कुल उसी लेवल का शानदार प्रदर्शन किया है सबने। और मैं जानती हूँ मयूरी, रश्मि जी, रितेश सर, इतने अच्छे लोग, इतनी पॉजिटिविटी इस शो के साथ जुड़ी है, तो मैं ये शो जान आई एम सो श्योर कि ये एक फिनोमेना ही होने वाला है। और नागपुर 28 तारीख को रेडी हो जाइए एक बहुत ही ग्रैंड इवेंट देखने के लिए, जिसमें स्टार्स भी आने वाले हैं। श्रीजिता आई थिंक आने वाली है उत्तरन सीरियल की, तो ये शो मैं सचमुच तहे दिल से इन सबको ऑल द बेस्ट कहती हूँ, और कंटेस्टेंट्स को बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ। इंशाल्लाह मैम, आप दुआ करते हैं कि इवेंट के साथ आप भी ऐसे मुस्कुराते रहिए हमेशा। एंड मैम, एक कोई भी कैटेगरी आज आप सिलेक्ट करेंगी जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस लगी, वो एक कैटेगरी कौन सी है? ये तो सच में बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे, सभी एक से बढ़कर एक थे, लेकिन अगर मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी तो डेफिनेटली ट्रांसजेंडर्स, जो दुनिया के कोने कोने से, देश के कोने कोने से आए हैं, और अगर आप उनका परफॉर्मेंस देखेंगे, उनका सच में मैं बता रही हूँ आँख भर आएगी सबकी, क्योंकि इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस, इतना ग्रेस, इतना टैलेंट भर भर के हैं इनमें, कि मैं बता रही हूँ, मैं कॉन्ग्रेट्स करूँगी रश्मि, मयूरी एंड रितेश जी को, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतने
खरा सोना ढूंढ के लाए हैं देश के कोने कोने से, और 28 तारीख को मैं बता रही हूँ ना, एक बार इनको रैम पे आ जाने दीजिए, सबके छक्के छुड़ा देंगे, आग लग जानी अब तो बिल्कुल स्टेज पे। थैंक यू सो मच मैम। मयूरी पार्टनर मैम हमारे साथ है। मयूरी मैम आज आप फूड पार्टनर भी है, खट्टा मीठा आपका फूड कॉर्नर, आप फूड पार्टनर है, इवेंट से भी आप जुड़ी हुई है। फिनोमिनल फेस ऑफ इंडिया रितेश सर एंड रश्मि मैम से जुड़ने का कुछ अनुभव साझा करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रितेश एंड रश्मि कि उन्होंने मेरे पे भरोसा किया और मुझे इस शो में लिया उन्होंने, और मैं कंटेस्टेंट्स को ऑल द बेस्ट कहूँगी। हमारे कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे हैं, और स्पेशली थैंक्स टू वर्तिका मैम, अंजू मैम एंड पायल शाह मैम टू, उन्होंने अपना इतना समय हमें दिया और चार चांद लगा दिया हमारे टैलेंट राउंड में। सो ऑल द बेस्ट रश्मि एंड रितेश एंड ऑल कंटेस्टेंट्स ऑफ फिनोमिनल फेस ऑफ इंडिया। थैंक यू। दिस इज एम जे जीशान साइनिंग आउट। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और 28th ऑफ अगस्त को कहाँ, होटल रेजेंटा में बिल्कुल आना ना भूलिए। टाइमिंग क्या रखा है हम लोगों ने? 5 बजे से, बिल्कुल 5 बजे आपको एंट्री आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे शिजिता डे जो हमारी एक्ट्रेस है वो भी आने वाली है। एक्ट्रेस की क्या जरूरत है, हमारे पास तो ऑलरेडी नागपुर की एक्ट्रेस इतने खूबसूरत मौजूद है यहाँ पर। बंद देखते रहिए बोल इंडिया न्यूज़, अब सच देखेगा इंडिया विद एम जे जीशान।